हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई आज जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा ना, वो मैं करने जा रहा हूं जैसे ही आप गाड़ी सुबह स्टार्ट करते हैं, निकलते हैं, और जैसे ही फर्स्ट अटेम्प्ट आप ब्रेक जैसे ही आप अप्लाई करते हो, ब्रेक अप्लाई करने से एकदम आपने गौर किया होगा कि बाहर से ना आवाज आती है टायरों में से कर्र की, जैसे दो मेटल की जब सरफेस आपस में रगड़ती है ना, मतलब हिंदी में बताऊं अगर कि जब दो चीज लोहे आपस में रगड़ते हैं, मेटल सरफेस जो है आपस में रगड़ती है, तो जो वो आवाज आती है ना बिल्कुल सेम एग्जैक्टली आवाज आती है आपके टायरों में से। तो कितने लोग ऐसे हैं भाई जो परेशान रहते हैं कि यार ये ऐसी आवाज क्यों आ रही है। देखो, ये आवाज आने के ना बहुत सारे मल्टीपल रीजन होते हैं। आपको मैं एक चीज क्लियर कर देता हूं कि अगर ऐसी आवाज आती है तो ये एक बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, इसमें कुछ भी घबराने की बात नहीं है। हाँ, घबराने की स्थिति वो तब बन जाती है, वो मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा। सपोज करो आप गाड़ी लेके चले, दो तीन चार बार आपने ब्रेक को है प्रेस किया, ठीक है, तो वो आवाज आती है, लेकिन वो धीरे 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 आवाज क्या होती है, दो चार बार दबाने के बाद वो आवाज बिल्कुल गायब हो जाती है बराबर। लेकिन अगर वो आवाज कंटिन्यू आपके ब्रेक दबाने से वो आवाज आती है, तो भाई ये एक सीरियस इशू है। सबसे पहले या तो अपनी वर्कशॉप में जाओ जहां आप गाड़ी ठीक कराते हो, सर्विस कराते हो, या जहां भी व्हाटएवर आप जिस भी लोकल मैकेनिक से आप कराते हो, उस चीज से कंसर्न करो। अब देखो, मुद्दा ये है कि सबसे पहले बात डिस्कस करते हैं कि ये आवाज आखिर आती क्यों है। देखो भाई, आपने एक चीज गौर करी होगी, जब भी जैसे मतलब जो हिली एरियाज में रहते हैं, बर्फ वगैरह पड़ती है या रेनी सीजन होता है, ठीक है, बरसात वगैरह का टाइम होता है, बारिश होती है, तो उस टाइम पे ना ये आवाज ज्यादा आती है। अब देखो, ये आवाज आने का रीजन होता क्या है कि हमारे जो आपको पता है दो चीजें होती है, एक तो ब्रेक पैड होता है, दूसरा जो होती है रोटर होती है। आप जब भी ब्रेक दबाते हो तो हमारे जो ब्रेकिंग सिस्टम में दो इंपॉर्टेंट चीज होती है, एक तो ब्रेक पैड होता है, दूसरा हमारा रोटर होता है, ठीक है। अब जो ब्रेक पैड होता है वो तो आपका जो होता है वेरिएबल होता है, मतलब वो मूवेबल पार्ट होता है, और जो रोटर होता है वो फिक्स्ड होता है बराबर। अब होता क्या है इस चीज के अंदर, जब भी बारिश होती है या धूल मिट्टी होती है या मॉइस्चर होता है, ठीक है, या ह्यूमिडिटी होती है, ह्यूमिडिटी से क्या होता है कंडेंसेशन प्रोसेस वगैरह होता है, जिससे क्या होता है एक लेयर जो होती है ना, ये धूल मिट्टी वगैरह बारिश की, मॉइस्चर की, पानी की, ये जमा हो जाती है रोटर पे, ठीक है। अब जैसे ही ब्रेक पैड उस पर लगता है और वो रोकने की कोशिश करता है व्हील को, तो क्या होता है वो जो फर्स्ट जो लेयर जब जमा होती है ना, वो तो टेम्पररी होती है, तो वो जब निकलती है ना, तो निकलने के कारण क्या होता है वो आवाज आती है, ठीक है। और जैसी वो लेयर पूरी साफ हो जाएगी रोटर पे से, तो वो बिल्कुल नॉर्मल जो ब्रेकिंग सिस्टम होगा आपका बिल्कुल वैसे ही काम करेगा, ठीक है। तो ये तो होगी हमारी फर्स्ट कंडीशन। अब इस चीज के अंदर एक सेकंड कंडीशन क्या आती है, अगर ये जो आवाज है आपको लगता है कि ये बहुत ज्यादा एक्सट्रीम आवाज आ रही है जब भी आप ब्रेक अप्लाई करते हो, और ये आवाज कंटिन्यू आ रही है, बिल्कुल नहीं जा रही है, तो भाई इस चीज को आप थोड़ा सा सीरियसली लो। क्यों, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं। अब देखो होता क्या है, जो मैंने आपको बताया ब्रेक पैड होता है और जो रोटर होता है, इसमें सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या होती है, आपने एक चीज गौर करी होगी, टाइम टू टाइम जैसे गाड़ी चलती रहती है तो ब्रेकिंग जो कैपेबिलिटी होती है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है। अब उसका रीजन क्या होता है कि जो हमारे ब्रेक पैड होते हैं वो धीरे 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 घिसने शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहले देखो कि आपका जो ब्रेक पैड है वो ब्रेक पैड तो कहीं घिसा नहीं है, ठीक है। अगर ब्रेक पैड आपका घिसना चालू हो गया है तो होता क्या है कि जो हमारा जो एक मेटल जो होता है ना पार्ट होता है, ब्रेक जो बना होता है, वो मेटल पार्ट के ऊपर ही जो डिफरेंट जो लेयर होती है वो लगी होती है, जिससे हमारा ब्रेक पैड पूरा बना होता है। जब ब्रेक पैड हमारा घिस जाता है तो अंदर से मेटल लेयर निकल के आ जाती है, और वो मेटल जो लेयर होती है, आपका जो रोटर होता है वो भी मेटल का होता है, फिर वो आपस में रगड़ना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये पहला सिम्टम होता है आवाज आने का, ठीक है। और ये भाई साहब बहुत ही ज्यादा घातक होता है। अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो प्लीज आपका जो एक ब्रेक पैड होगा वो कुछ सौ रुपए का होगा, उसको आप फटाफट रिप्लेस करा सकते हो, कॉस्टिंग कम पड़ेगी। लेकिन अगर ये ब्रेक पैड आप टाइम टू टाइम नहीं इसको जो है रिप्लेस कराते हो, देखो अगर आपको नहीं जानकारी है तो ये आपसे अनजाने में बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और लेकिन अगर आपको पता है कि नहीं ये चीज होता है, थोड़ी बहुत भी नॉलेज है, और फिर भी अगर आप इसको आलस में जो है चीज को खींचोगे तो बहुत बड़ा नुकसान आपको देके जाएगा, ठीक है। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि हमारा जो जहां पे ये ब्रेक पैड फिक्स होता है वो प्रॉपरली ठीक तरीके से माउंट हुआ नहीं हुआ, टाइम टू टाइम क्या होता है कि वो लूज होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इसके चक्कर में होता क्या है कि जब ये अगर कुछ भी आपका, चाहे तो रोटर का पार्ट या आपका जो ब्रेक पैड का पार्ट, ये अगर कुछ भी एक पार्ट लूज है तो फिर क्या होगा, जब ये आपस में जब कॉन्टेक्ट करेंगे तो ये लूज होने के कारण क्या होगा कि आपकी जो ब्रेकिंग कैपेबिलिटी है वो इतनी इफेक्टिव नहीं होगी, और आपको वाइब्रेट
वाइब्रेशन का थोड़ा बहुत जो है ना सामना करना पड़ सकता है जब भी आप ब्रेक अप्लाई करेंगे, ठीक है। तीसरा रीजन ये भी हो सकता है, इसमें वाइस वर्सा दो केस बनेंगे। पहला हो गया, देखो आपको मैंने बताया कि जो ब्रेक पैड होते हैं वो अगर आपका अनइवन शेप में घिस रहे हैं, मतलब जैसे ये आपका ब्रेक पैड है तो 50% आपका कम घिसा और 50% आपका ज्यादा घिसा, तो जब वो कॉन्टेक्ट करेगा तो प्रॉपरली कॉन्टेक्ट नहीं करेगा रोटर के साथ में, तो वो क्या करेगा, एक वाइब्रेशन का एक रीजन बनेगा जब भी आप अप्लाई करोगे। इसमें दूसरा केस ये भी हो सकता है कि ब्रेक पैड तो आपका इवनली घिसा लेकिन जो रोटर है वो आपका अनइवन शेप में अगर घिस रहा है तो भी ये कंडीशन बनेगी, आपका प्रॉपरली जो ब्रेक है वो नहीं लगेगा। तो होप ये वीडियो आप लोगों के लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।